नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये इन खेलों का तीसरा संस्करण है पहला हुआ था 2020 में ओडिशा में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल पुरुषों का यह खेला जा रहा है पहला हाफ सात मिनट का रहेगा दूसरा भी सात मिनट का और बीच में दो मिनट का गैप गुडम्बा कुर्सी रोड पर स्थित है ये गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में जनाब मुस्कुराइए आप हैं लखनऊ में और ये बहुत तेजी के साथ पांच अंक हासिल किए हैं भारतीय विद्यापीठ ने पहले ही मिनट में स्कोर और अब जाएंगे कन्वर्जन के लिए सात नंबर की जर्सी में श्रीधर निगाड़े ये खूबसूरती इस खेल की कि जहां जिस एंगल पर आप ट्राई लाइन से टच करते हैं बॉल को उसी के ठीक सामने एंगल से आपको ये जो बहुत देखना होगा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सात और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शून्य क्रिएट करने में वो सफल हो जाती है और इस एक बार फिर कोशिश यही रहेगी कि ये जो बढ़त मिली है इसे बरकरार रखा जाए देखिए कितनी चपलता तेजी से आगे बढ़ते हुए और ये इतना ही बेहतरीन टैकल देखने को मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली पंजाब किसी भी खेल में हो निश्चित तौर पर कोई भी यूनिवर्सिटी वहां की हो खेलों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इन स्टेट्स का रहता है हरियाणा पंजाब खासकर उत्तर भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा अन्न उत्पन्न करते हैं और ओलंपिक में मेडल भी यहां देखना दिलचस्प होगा कि बाजी किसके हाथ में रहेगी हालांकि शुरुआती जो सफलता है सात अंक की वो स्कोर बोर्ड गवाह ही दे रहा है कि भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने सात शून्य की बढ़त ले रखी है और ये जब भी आपको लगता है ऑफलाइन है या कोई फाउल है तो रेफरी रोक देते हैं खेल को और ये स्कर्म रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया तीन जो मजबूत खिलाड़ी होते हैं वो स्कर्म बनाते हैं बीच में जो होता है वो हुकर होता है और उसकी कोशिश यही रहती है कि अपने पैरों के मूवमेंट से बॉल अपने, हाँ। अपने खिलाड़ी को पकड़कर रोक सकते हैं गिरा सकते हैं कंधे से नीचे घुटनों तक और इस बार ये फ्लैग अप किया गया है देखना होगा क्या बॉल बाहर चली गई थी या स्कर्म रहेगा या लाइन आउट के साथ दी जाएगी जो ज्यादा जंप करेगा जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन और इस बार फिर सात नंबर की जर्सी में श्रीधर निगाड़े क्या कोशिश करेंगे इस बार कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके एक बार फिर श्रीधर के पास बोल गई है लेकिन उतना ही बेहतरीन टैकल देखने को मिला है तालियों की गड़गड़ाहट यह बता रही है कि जो समर्थक मौजूद हैं टीमों के जो अपने साथी खिलाड़ियों का मैच देखने के लिए यहां मौजूद हैं वो हौसला अफजाई कर रहे हैं और एक बार फिर श्रीधर और ये बहुत खूबसूरती से ट्रायल लाइन पर बॉल को टच कर दिया है पांच अंक निश्चित तौर पर भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के खाते में जुड़ने के चांस देखना होगा स्कोर बोर्ड में फिलहाल कोई हलचल जी हाँ बिल्कुल पांच अंक का इजाफा और अब जो अंतर हो गया है वो है का और और ये कन्वर्जन के लिए गए लेकिन बहुत दूर सिर्फ मात्र पांच अंकों से ही संतोष करना पड़ेगा स्कोर अभी भी बारह शून्य और ये गेम एक बार फिर स्टार्ट होते हुए रिस्टार्ट होते हुए किक से दिया गया है और ये दो नंबर के जो खिलाड़ी हैं मोनू इनकी कोशिश यही रहेगी चंडीगढ़ के, के आगे बढ़े है इनके ऊपर के इस रक्षा पंक्ति को भेदें और ये जो समय धीरे धीरे पहले हाफ का निकल रहा है और जो स्कोर अभी भी शून्य नजर आ रहा है चंडीगढ़ का इसमें कुछ फेर बदल देखने को मिले ताकि मनोबल रहे अगर आप दूसरे हाफ में प्रवेश करते हैं शून्य के साथ नील के साथ शून्य आपको उतनी संतोष कभी नहीं देगा जितना अंक आपको देता है क्योंकि काउंट अंक होता है शून्य नहीं और इस बार फिर देखना होगा इंजरी करने का दोषी पाया जाता है तो आप लगातार तीन सीजन के लिए बैन हो सकते हैं और कोई भी खिलाड़ी यह नहीं चाहेगा कि दो ढाई साल तक लगभग वो इस खेल से दूर रहे किसी भी खेल से और इस बार ये बेहतरीन तरीके से शक्ति का लेकिन उतना ही बेहतरीन टैकल गिरा दिया गया है और ये रक की पोजिशन ये देखिए कितनी खूबसूरती से निकाला है इस बार अगर ये यहां वे बहुत बेहतरीन अगर निकलने में कामयाब रहते तो देखिए लेकिन जिस तरीके से पास करना चाहिए था पास की पोजीशन अभी भी, भी रख जी हाँ खूबसूरत लेकिन खिलाड़ी सारे वापस आ गए हैं मुस्तैद हैं कोशिश यही कि इसको आगे ना जाने दिया जाए लेकिन इस बार लगता है ठान लिया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने और निश्चित तौर पर जी हाँ अब शायद नहीं रुक पाएगा ये बिल्कुल गोल पोस्ट के पीछे आगे रखेंगे ताकि कन्वर्जन के दो पॉइंट भी इन्हें मिलें निश्चित तौर पर पांच अंक हासिल किए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जैसा हमने कहा था और अब जाएंगे कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन की खास बात यही कि पाँच से बीस मीटर जहाँ भी खिलाड़ी अपने आप को कंफर्ट पाए वहां से वो हिट कर सकता है दस नंबर की जर्सी में है प्रदीप सिंह कन्वर्जन के लिए गए हैं जी हाँ जैसे ही फ्लैग अप तो सात अब जो अंतर है अंकों का वो घटते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सात और भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बारह है दो अंक निश्चित तौर पर अभी कन्वर्जन के जो मिले हैं वो अंक लिख दिए जाएंगे बोर्ड पर सक्सेसफुल कन्वर्जन ये रहा बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लगभग देखिए फसाया है किस तरीके से और गिरा दिया है यही एक सिस्टम और इस बीच ये बिल्कुल क्लियर है स्कोर पहले हाफ में चंडीगढ़ सात और भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सत्र है पांच अंक का और इजाफा भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के लिए दिन का दूसरा सेमीफाइनल पुरुषों का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 रग्बी का यह मुकाबला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बीच में दूसरा हाफ सात मिनट का शुरू हो चुका है और स्कोर 19 भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ के हैं सात अंक बारह अंकों का अंतर अभी भी दोनों टीमों के बीच में निश्चित तौर पर जो मनोवैज्ञानिक जो मानसिक दबाव होता है चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के ऊपर होगा लेकिन खेल है जिस पल भी आप आगे बढ़ते हैं आप जितना शुरू करते हैं वहीं से आपका सफर शुरू होता है और इस बार ये दोबारा बहुत बढ़िया रख की पोजिशन थी देखना होगा क्या चंडीगढ़ के खिलाड़ी बॉल है शिवम शुक्ला के पास बारह नंबर की जर्सी में मुकाबला पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अभी गिरफ्त में है भारतीय विद्यापीठ के खिलाड़ियों के और चंडीगढ़ की कोशिश यही रहेगी ये बहुत बढ़िया कर्म देखने को मिल रहा है और गेंद अभी भी और ये तीन नंबर की जर्सी में तेजी से आगे बढ़ते हुए परमेश राजपूत बहुत बेहतरीन तालमेल है सबसे बड़ी बात यही होती है इस खेल की कि जितनी बढ़िया तरीके से आप पीछे पास करके आगे भागते हैं बॉल को और ये देखिए पीछे यही खूबसूरती है यही तालमेल है किक से आप आगे मार सकते हैं और जो इसे पिक करेगा ये इस बार फ्लैग देखना होगा क्यों खेल रोका गया शुरुआत ये किक वापस वहीं से हां बॉल जो लास्ट के 20 मीटर होते हैं वहां पर ये खिलाड़ी हैं चंडीगढ़ के और तेजी से आगे बढ़ते हुए इस बार निश्चित तौर पर ये पांच अंक और भारतीय विद्यापीठ के खाते में जुड़ते हुए जी हां 24 भारतीय विद्यापीठ और साथ चंडीगढ़ और अब कन्वर्जन के लिए तैयार हैं असिस्टेंट रेफरी पहुंच चुके हैं देखते हैं कि बॉल ये जो दो एच टाइप जो गोल रहता है इसका इसकी बार के बीच में से और ये डिपेंड करता है कि खिलाड़ी कन्वर्जन के लिए जाएं या क्योंकि अगर आप बॉल बिल्कुल गोल पोस्ट के पीछे रखते हैं तो आपको उसके सामने से ही कन्वर्जन का चांस मिलता है जो आसान रहता है और ये के लिए। जी, हाँ, बिल्कुल सही, दो अंक और दो अंक के साथ ही छब्बीस और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सात मिडवे से गेम दोबारा शुरू होते हुए किक से शुरुआत की गई है बारह नंबर की जर्सी में चंडीगढ़ के खिलाड़ी शिवम शुक्ला काफी मजबूत कद काठी है इसकी ये खिलाड़ी इसकी काबिलियत है कि जो रक्षा पंक्ति है उसको भेज सकते हैं और यह तेजी दिखाने की कोशिश लेकिन कामयाबी उतनी नहीं और इस बार पास करने की कोशिश थी और इस बार ये बॉल देखना होगा जी पास किया गया है पीछे कोई चूक नहीं अभी भी कोशिश यही कि पास किया जाए पीछे साइड में पास किया जाए और तेजी से आगे निकला जाए विजय कुमार के ये पीछे आप अगर ड्रॉप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आगे आप आगे ड्रॉप आपसे छिटक के गिरती है या आप पास करते हैं तो स्थिति होती है नॉक आउट की और इस बार ये सात नंबर की जर्सी में तेजी से आगे निकलते हुए श्रीधर निगाड़े पहला स्कोर फिर दूसरा और उसके बाद एक के बाद एक स्कोर अब जाहिर सी बात है शायद कन्वर्जन के लिए यहाँ से ट्राई नहीं करना चाहेंगे काफी दूर हो गया है लेकिन पांच अंकों का इजाफा निश्चित तौर पर भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हासिल कर चुके हैं एक बार फिर मिडवे से ये गेम शुरू होता हुआ दिन का दूसरा सेमीफाइनल है पहला सेमीफाइनल के आईआईटी जीत चुकी है फाइनल में जगह बना चुकी है शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के छक आते हुए फाइनल में जगह बनाई के आई, आई टी ने और अब उनका सामना जो है अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना हो तो निश्चित रूप से फाइनल जो खेला जाएगा आज शाम को भारतीय विद्यापीठ और के आई आई टी के बीच में आखिरी दो मिनट में निश्चित तौर पर ये श्रीधर पांच अंक और हासिल करने में कामयाब और अब कन्वर्जन के लिए भी जाना जरूर चाहेंगे छत्तीस सात के अंतर से लीड ले ली है भारतीय विद्यापीठ ने जब बेस्ट किकर होता है ये प्रथमेश राजपूत ने कन्वर्जन के लिए ट्राई किया और हासिल भी दो अंक और अड़तीस और सात के एक बार गेम फिर शुरू होते हुए और ये इस बार भी क्या लेकिन नहीं बेहतरीन तरीके से पास करने की कोशिश थी निकलने की कोशिश है सात नंबर की जर्सी में है बॉल को वहीं रख दिया गया है देखना होगा वहीं से किक लेंगे नहीं ये आप सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं किक भी ले सकते हैं बिल्कुल हॉकी के नियम की तरह है ये रग्बी का ये नियम ये देखिए इस बार कोशिश है आगे निकलने की लेकिन गिरा दिया है क्या इस बार ये रक्षापंथी भेजने में कामयाब रहेंगे कोशिश तो पूरी है दस नंबर के जर्सी में आगे बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ के खिलाड़ी प्रदीप सिंह और इस बार ये दो नंबर की जर्सी में बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए जी हा मोनू है पांच अंक और मिलने चाहिए चंडीगढ़ को कन्वर्जन के लिए जाएंगे जी बिल्कुल पांच अंक का इजाफा चंडीगढ़ 12 है भारतीय विद्यापीठ 38 और अब कन्वर्जन के लिए हालांकि जी बिल्कुल ट्राई करेंगे एक एक अग कीमती होता है खासकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और किक जो होती है वो हाफ होली पे लीके की जाती है ये देखिए और लेकिन पार नहीं पहुंची है तो निश्चित तौर पर पांच अंक से ही संतोष करना पड़ेगा इसी साथ विसिल और ये लगभग गेम भी समाप्ति की ओर।